गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फाइलम, जिसका नाम है प्लेटीहेलमिंथीस। इसके पहले हमने टीनोफोरा पढ़ा था, अब हम आज जो है प्लेटीहेलमिंथीस पढ़ेंगे। प्लेटीहेलमिंथीस का मतलब ये होता है प्लेट, मतलब कि ऐसे सभी जीव जो कि फ्लैटेंड होते हैं। मतलब इस संघ के जीवों को अगर देखा जाए तो सब चपटे क्रमीज आते हैं। क्रमी का मतलब ये होता है जिनका शरीर जो होता है वो परजीवी के रूप में होता है और क्रमी जैसा होता है, पतले सिलेंड्रिकल या चपटा होता है। तो ये जो जीव होते हैं इसके सामान्य लक्षण हम देखते हैं। ये जीव जो होते हैं सामान्यतः स्वतंत्र जीवी या फिर परजीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी में या तो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, किसी इंसेक्ट को खाएंगे, या फिर ये किसी जीव के शरीर पर रहकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। शरीर संगठन इनका जो होता है वो उत्तक अंग स्तर का होता है, मतलब कि इसमें द्विपार्श्व सममिति भी होती है। उत्तक मतलब कि उत्तक जो होते हैं वो अंग निर्माण करते हैं, और द्विपार्श्व मतलब कि दोनों तरफ से समान होते हैं। अगर इनके शरीर को बीच में से काटा जाए तो दोनों तरफ से ये समान दिखेंगे। नेक्स्ट जो है ये जो होते हैं इनमें देह भित्ति जो होती है त्रिस्तरीय होती है। देह भित्ति त्रिस्तरीय का मतलब ये होता है कि तीन भागों में बटी होती है, जिसे एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म कहते हैं। जिस तरह से हमारे अंदर होती हैं तीनों जन्म स्तरें, उसी तरह से होती हैं। शरीर जो होता है वो चपटा होता है, जिसमें मुख एवं जनन छिद्र जो होता है वो अधर सतह पर, एब्डोमिनल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ऊपरी सतह पर भी हम बोल सकते हैं। इसमें सिलोम अनुपस्थित होती है, मतलब इसमें ट्रू सिलोम नहीं होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिलोमेट्रिक। इसमें अगर देखा जाए तो शरीर जो होता है खंडित भी होता है किसी किसी में, और किसी किसी में खंड विहीन भी होता है, जिसका उदाहरण आप आगे चित्र में देखोगे। और एपिडर्मिस जो होती है वो बहुकेंद्रकीय होती है, मतलब एपिडर्मिस में जो कोशिकाएं होती है, चूँकि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, इनका भी शरीर कोशिकाओं से बना है। और जो स्तर मतलब कि बाह्य त्वचा जो होती है उसमें जो कोशिकाएं होती है उसमें बहुत सारे केंद्रक बहुकेंद्रक अनुपस्थित होते हैं। तो कुछ जो होते हैं उसमें एपिडर्मिस पाई जाती है, पक्षमापी एपिडर्मिस होती है। और इसमें जो होते हैं जो परजीवी जीव होते हैं, इसमें चूंकि दोनों तरह के होते हैं, स्वतंत्र जीवी भी हैं और परजीवी भी हैं, तो अगर परजीवी होते हैं तो उनमें कुछ अंग विकसित होते हैं जो इनको, जैसे ये चूषक बोलते हैं, हुक बोलते हैं, कांटे बोलते हैं, जो किसी अन्य जीव के शरीर से जुड़ने में सहायता करते हैं। इनमें जो होता है एपिडर्मिस जो होती है, मतलब कि बाह्य त्वचा जो होती है उसके नीचे बहुत सारी पेशियां पाई जाती है, वर्तुल पेशियां होती है, तिर्यक पेशियां होती है, मतलब पेशियां जो होती है जैसे आड़े तिरछी जमी होती है तो उन्हें पेशियां बोलते हैं। पाचन तंत्र अपूर्ण होता है और कुछ में तो पूर्णतः अनुपस्थित ही होता है। ये सिर्फ चूषक मतलब कि सकर्स के द्वारा किसी जीव के शरीर से जुड़ते हैं और चूसते रहते हैं उनसे पोषक तत्वों को। इनमें कंकाल, श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र का पूर्णतः अभाव होता है, मतलब न के बराबर होता है, तो मतलब कि शरीर सॉफ्ट होता है इनका। और उत्सर्जन जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ज्वाला कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनकी संरचना को आप नेक्स्ट BSc में पढ़ोगे, तो यही कोशिकाएं इनमें उत्सर्जन का कार्य करती हैं। इनमें जो अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जो आपस में जुड़कर गेंगलिया बनाते हैं, मतलब कि प्रॉपर ब्रेन तो होता नहीं है इनमें, तो इनमें जो होते हैं नर्व कॉर्ड्स होते हैं जो कि एक बंच बनाते हैं जिसे गेंगलिया बोलते हैं। और इनकी बॉडी कैविटी और आंतरिक जो अंग होते हैं, या बॉडी वॉल मतलब बाह्य त्वचा, बाह्य भित्ति और अंतर अंग मतलब आंतरिक अंगों के बीच में एक उत्तक भरा होता है जिसे पेरेन्काइमा बोलते हैं। द्विलिंगी होते हैं, मोनोशियस होते हैं, मतलब लिंग अलग अलग होते हैं इसमें। और जनन तंत्र जो होता है वो सुविकसित होता है, और निषेचन इसमें आंतरिक होता है, शरीर के अंदर होता है। परिवर्धन जो होता है उसमें या तो प्रत्यक्ष होगा, और अप्रत्यक्ष अगर होगा तो उसमें कुछ में लार्वा भी पाए जाते हैं, जैसे फेसियोला हेपेटिका में। वर्गीकरण देखें तो जैसे टर्बिल एरिया है, ट्रिमेटोडा है और सिस्टोडा, ऐसे तीन भागों में इनको बांटा गया है, वर्ग हैं ये इनके। और अधिकांश जो होते हैं टर्बिल एरिया में स्वतंत्र जीवी होते हैं, शरीर चपटा होता है, मुलायम होता है, शरीर के मध्य में मुख होता है, उभयलिंगी होते हैं, मेल फीमेल एक ही में होते हैं, और प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, एग से डायरेक्ट जो होते हैं चाइल्ड या फिर जो इनके जीव होते हैं प्लेटीहेलमिंथीस के वो निर्मित होते हैं। और इसमें जैसे प्लेन एरिया आता है, प्लेन एरिया आपने देखा होगा जो अलैंगिक जनन जिनमें होता है, शरीर का आधा भाग अगर अलग हो जाए तो इनका शरीर का
पुनर्निर्माण हो जाता है, जिसे प्लेन एरिया बोलते हैं। ट्रेमेटोडा में आते हैं तो सभी परजीवी होते हैं और शरीर पर एक आवरण होता है मोटा, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। शरीर जो होता है पत्ते जैसा होता है, जैसे फेसियोला हेपेटिका का, इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी आपको। चूषक अंग होते हैं, आहार नाल में दो शाखाएं होती है और गुदा जो होता है एनस अनुपस्थित होता है, द्विलिंगी होते हैं अधिकांश। और ये अपना जीवन जो होता है परपोषियों में पूर्ण करते हैं, जैसे फेसियोला हेपेटिका जो होता है वो अपना जीवन चक्र दो पोषकों में पूर्ण करता है। इसका प्राथमिक पोषक जो होता है लिम्निया या घोघा होता है, घोघा आपने देखा होगा शंख वाला जो कीड़ा होता है, और दूसरा जो इसके पोषक होता है वो शिप या फिर जिसको हम भेड़ बोलते हैं वो होते हैं। तो आधा आधा अपना जीवन चक्र ये पूर्ण करता है। और दूसरा होता है सिस्टोडा, तो सिस्टोडा जो होते हैं इसमें सभी परजीवी होते हैं। शरीर पर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है, सिर और शरीर के अग्र सिरे पर मतलब मुख जो होता है उस पर चूषक अंग या हुक लगे होते हैं, और शरीर जो होता है वो फीते या रिबन के जैसा होता है और छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। जैसे इसमें जो आता है वो टैप वर्म आता है। पाचन तंत्र जो होता है इसमें संवेदांग अनुपस्थित होते हैं, मतलब किसी प्रकार के संवेदी अंग नहीं होते हैं। ये द्विलिंगी होते हैं, स्वयं निषेचन करने वाले होते हैं, स्वयं निषेचित करते हैं अंडे को, और एक या अधिक परपोषितों के माध्यम से जटिल जीवन चक्र होता है, मतलब इनका जीवन चक्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता है। अगर दोनों पोषक नहीं मिलते तो इनके लार्वा जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो दोनों पोषकों में ही अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। अब इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसमें से हम ये वाला पढ़ेंगे, पर अभी आपको बुक से इसलिए बता रही ताकि सभी का बता पाऊँ, ताकि आप इनको पहचानो, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इनको पहचान पाओ। ये जो है डाइजीनिया या प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया जो होता है चपटा होता है ये भी। इसका शरीर जो होता है ऊपर आँखें होती है, ओरिकल होता है, इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर प्रोबोसिस भी होता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये अगर इसके शरीर के दो हिस्से कर दिए जाए तो दोनों हिस्से जो होते हैं वापस अलग अलग भाग का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो है फेसियोला हेपेटिका है, जिसमें माउथ और गोनोपोर एक ही जगह होता है और एसिटेबुलम कैविटी होती है, हेड लोब होता है ये, और एक्सक्रीटरी फ्लोर होता है, उत्सर्जी तंत्र होता है। ये जो है एक तरह से हीमोटोबियम है, ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं इसको। और ये जो होता है इसमें माउथ है, और ये जो लॉन्ग जो ये नलिका आपको दिख रही है फीमेल एक तरह से इसमें होता है पार्ट, और ये जो होता है मोटा वाला आपको दिख रहा है ये मेल पार्ट होता है इसमें। नेक्स्ट जो है टीनिया सोलियम है, रिबन जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेक्शंस आपको दिख रहे हैं। तो इसमें मैच्योर सेगमेंट ये होते हैं और इमैच्योर सेगमेंट ये होते हैं। ये नेक है, इसमें सकर्स होते हैं जो किसी के शरीर से जुड़ने में सहायता करते हैं। फिर ये इकाइनोकोकस है, हाइड्रेटेड वर्म्स होते हैं ये, इसमें भी सेक्शंस होते हैं, ये छोटे सेक्शन बनना शुरू होते हैं और ये बड़े हो जाते हैं। इसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होते हैं, जिसमें ये आपको ओवरी दिख रही होगी और इसी के अंदर जो होता है टेस्टिस, मतलब टेस्टिस और यूटेरस, ओवरी दोनों एक ही में होती है और यहीं से फर्टिलाइज्ड होते हैं, और ये जो आगे जाकर फिर एग में बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं यूटेरस के अंदर एग्स होते हैं। ये मैच्योर सेगमेंट्स होते हैं, ये स्कोलेक्स होता है इसका मुख वाला भाग होता है, और ये सकर्स हुक लगे होते हैं जिस जो कि दूसरे के शरीर से जुड़ने में सहायता करते हैं। और इसके अब नेक्स्ट जो है हम निमेटोडा पढ़ रहे हैं। निमेटोडा जो है नेक्स्ट वर्ग है, या सॉरी नेक्स्ट फाइलम है जो प्लेटीहेलमिंथीज के बाद आता है। तो इनको निमेटोड क्यों बोलते हैं, निमे का मतलब होता है थ्रेड और ऑइड्स का मतलब होता है फॉर्म्स, मतलब ऐसे जीव जो गोल होते हैं शरीर में और जिनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक धागे के समान लंबा होता है, तो ऐसे जीवों को बोला जाता है निमेटोडा। और ये जो अधिसंघ जो है इसका एसके हेलमिंथीस है, इसको एसके हेलमिंथीस भी बोला जाता है। इसके जो शरीर के सामान्य लक्षण आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें भी ये जीव हम स्पेसिमेन के तौर पर देखेंगे। तो इसके जो जीव होते हैं जनरली वो वाटर में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं जीव जंतु और मनुष्य में भी पाए जाते हैं, मतलब कुछ जो होते हैं अगर इससे ग्रसित हो जाते हैं तो उनमें भी ये पाए जाते हैं। तो कुछ पादप और जंतु जो होते हैं उनके अंदर परजीवी के रूप में होते हैं, और शरीर जो होता है इनका लंबा होता है, पतला होता है, खंड विहीन होता है, मतलब इनके शरीर पर किसी प्रकार के कोई सेगमेंट या खंड नहीं होते हैं। शरीर संगठन अंग स्तर का हो जाता है, इसमें मतलब इसमें अंग पाए जाते हैं। और
देह भित्ति जो होती है, मतलब बाहर से अगर देखें तो इसका शरीर जो होता है एक चमकीली क्यूटिकल से ढका होता है, जो बहुकेंद्रीय होती है और जिसमें पेशियों का स्तर पाया जाता है। इसमें अगर देखें तो स्यूडो सिलोम होती है, मतलब प्रॉपर सिलोम नहीं होती है। देह भित्ति और आहार नाल के बीच में किसी प्रकार की कोई गुहा नहीं होती है, ब्लास्टोसिल की गुहा से ही इसके व्युत्पन्न उत्पन्न होते हैं। तो इसमें सिलोम जो होती है वो स्यूडो सिलोम होती है। आहार नाल जो होती है सीधी पाई जाती है, और श्वसन तंत्र तथा परिवहन तंत्र जो होता है पूर्णतः अभाव होता है, इसमें कोई श्वसन नहीं होता है। और उत्सर्जन जो होता है वो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये एकलिंगी भी होते हैं और कभी कभी लैंगिक द्विरूपता भी प्रदर्शित करते हैं, मतलब मेल जो होते हैं वो फीमेल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें ये चीज़ होती है, अगर एस्केरिस का उदाहरण हम लें तो एस्केरिस में मेल जो होता है वो छोटा होता है और फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है। जो नर होते हैं तो नर जनवाहिका जो होती है उसमें अवस्कर मतलब क्लोएका पाया में तथा मादा जनन वाहिका जो होती है अलग छिद्र द्वारा सीधे बाहर की ओर खुलता है। क्लोएका एक छिद्र होता है जिससे जो उत्सर्जन का कार्य करता है। निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है इनमें, और परिवर्धन जो होता है प्रत्यक्ष होता है। जीवन चक्र इसका भी जटिल होता है, अगर ये किसी के शरीर में रहेंगे तो ये डेवलप हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते, क्योंकि परजीवी के रूप में होते हैं, अंतः परजीवी के रूप में किसी के शरीर के अंदर अगर ये पहुँच जाते हैं तो फिर ये बीमारियाँ भी फैलाते हैं। बहुत सारी प्रजातियाँ हैं इनकी भी, बहुत सारी 15,000 जातियाँ हैं लगभग इनकी वर्म्स की। जैसे एफेसमीडिया इसका वर्ग है फर्स्ट, फिर फेसमीडिया इसका वर्ग है। तो एफेसमीडिया जो वर्ग होता है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें फेसमीडिया में पूछी संवेदांगों का अभाव होता है, मतलब पूछ के समान संवेदांग नहीं पाए जाते हैं। और इसमें आगे के जो अंग होते हैं संवेदी अंग, अग्र संवेदी अंग, वो कुंडलित हो जाते हैं या चपटे प्लेट जैसे हो जाते हैं। उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो अनुपस्थित होंगे या अल्प विकसित, बहुत कम विकसित होते हैं। पुच्छी आसंजक ग्रंथियां पाई जाती है, मतलब कि इनमें कुछ ग्रंथियां होती हैं जो एडहिशन का वर्क करती है, शरीर से जुड़ने का काम करती है। फेस्मिट्स जो होते हैं तो फेस्मिट्स में संवेदांग उपस्थित होते हैं। अग्र संवेदांग रंध्र के समान होते हैं, रंध्र मतलब कि छोटे छोटे छेद के समान। उत्सर्जी अंग इनमें विकसित होते हैं और इनमें आसंजक ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इसका उदाहरण देख लेते हैं, इसका उदाहरण जो है वो आप 12th में पढ़ोगे, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रिकिना वर्म्स है और एस्केरी से। तो ये जो वर्म्स होते हैं इसमें, ये देखिए मेल जो होता है छोटा होता है, फीमेल जो होती है वो लॉन्ग होती है। इसमें माउथ भी होता है, फेरिंग्स भी होता है, इसोफेगस, मतलब इसमें जो आहार नाल दिख रही है वो एक लंबी ट्यूब जैसी होती है। इसमें टेस्टीज होती है, ये मीडगट होती है, वासा डिफरेंशिया होते हैं जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, हाइंड गट होती है, गट मतलब कि जो आहार नाल का ही हिस्सा होता है, कॉपुलेटरी लोब्स होते हैं जो कॉपुलेशन में काम करते हैं, उसी के पास में क्लोएका होता है, उत्सर्जी अंग होता है। फीमेल्स में अगर हम देखें तो ये इसका माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, इसमें लॉन्ग आपको दिख रही होगी इसकी आहार नाल, ये स्टिकोसोम्स होते हैं और वेजिना होता है यहाँ पर, जिसमें कि एक तरह से यहाँ से लार्वास फॉर्म होते हैं, ये होते हैं, और यूटेरस कंटेनिंग एग्स यहाँ पर से एग फॉर्म होते हैं। सेमिनल रिसेप्टेकल्स यहाँ पर जो होता है स्पर्म जो होते हैं उसका कलेक्शन होता है, जो मेल स्पर्म छोड़ता है वो फीमेल जो होती कलेक्ट करती है। और फिर ये ओवरीज होती है इसकी यहाँ पर, ये एनस होता है। इसके लिए हमको लैब में भी देखना है, अगर स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हम लैब में ज़रूर देखेंगे इनको, ये हमारे पास अवेलेबल हैं। ये मेल है जो पीछे से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, लंबी होती है, धागे जैसी होती है, ऊपर क्यूटिकल का कवर है इसमें, और ये इसकी लेटरल लाइन है जो पतली सी धागे के समान एक लाइन दिखती है इसकी बॉडी पर। ये माउथ होता है और अपर लिप्स होते हैं, एक्सक्रीटरी पोर भी यहीं पर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, ये पीनियल सिटी और स्पीक्यूल्स होते हैं, क्लोइकल अपर्चर यहाँ पर होता है, ये इसका एनस होता है, ये फीमेल गोनोपोर्स होता है। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है सिलेंड्रिकल्स। फिर इसके बाद जो फाइलम है वो एनिलिडा है। एनिलिडा फाइलम भी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो ये मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।